Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दशरथ की कितनी संतानें थीं? अगर ये सवाल किसी ऐसे इंसान से भी पूछा जाए जिसने रामायण पढ़ी नहीं बस रामलीला या टीवी पर ही देखी हो तो वो भी तपाक से जवाब देगा, दशरथ की चार संतानें थीं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन अगर हम यह कहें कि आप गलत हैं, दशरथ की चार नहीं बल्कि पांच संतानें थीं, चार पुत्र और एक पुत्री। आज हम आपको रामायण का वो सच बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, राम और उनके तीन भाइयों की बड़ी बहन की कहानी। जैसा कि हम जानते हैं और पढ़ते सुनते आए हैं कि दशरथ के चार पुत्र थे और पूरी रामायण इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, खासकर राम और लक्ष्मण के। लेकिन महाराज दशरथ के इन चार पुत्रों से पहले एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम शांता था। एक बार अंग देश के राजा और रानी अयोध्या में राजा दशरथ के पास आए। अंगराज के पास किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं थी, बस उनके जीवन में एक शोक था, वो उन्हें संतान थे। जब दशरथ को इस बारे में पता चला तो दशरथ और कौशल्या ने अपनी पुत्री को अंगराज और उनकी पत्नी को गोद दे दिया। इस प्रकार शांता अंगराज की पुत्री हो गई। एक समय जब अंगराज अपनी पुत्री के साथ खेलने में व्यस्त थे, उसी समय एक ब्राह्मण किसान उनसे सहायता मांगते हुए आया। बेटी के साथ खेलते हुए अंगराज का ध्यान किसान की पुकार पर नहीं गया। किसान दुखी होकर वहां से चला गया। किसान के दुख को देखकर इंद्र को रोष आया और इंद्र ने अंगराज में कम वर्षा की, जिससे राज्य के लोग बेहाल हो गए। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अंगराज ने श्रृंग ऋषि से इंद्र को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। श्रृंग ऋषि ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और अनुष्ठान किया। उनके यज्ञ से इंद्र प्रसन्न हुए और अंग देश में अकाल समाप्त हुआ। अंगराज ने अपनी गोद ली हुई पुत्री शांता का विवाह श्रृंग ऋषि के साथ किया। कालांतर में श्रृंग ऋषि ने ही महाराज दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति अनुष्ठान किया था। उनके यज्ञ अनुष्ठान की वजह से ही दशरथ को चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। भारत के उत्तरी भाग में हिमाचल प्रदेश में ऋषि श्रृंग और शांता की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कुल्लू जिले में ऋषि श्रृंग का मंदिर है। इसके अलावा एक और मंदिर में ऋषि श्रृंग के साथ भगवान राम की बड़ी बहन शांता की भी प्रतिमा है। तो ये थी भगवान राम की बड़ी बहन शांता की कहानी, रामायण की ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.